Hi friends, welcome back. Bless you. जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तभी राइट चीक मार देती है, तो वेलकम बैक. आज थर्सडे है, अभी ना ये दिन कुछ याद नहीं रहता है एंड मैं अकेली नहीं हूँ, शायद कोई ना कोई तो मेरे साथ होगा जिसको अभी दिन इतना ज्यादा याद नहीं रहता है, क्योंकि सभी दिन आर द सेम. तो चलिए, आज थर्सडे है एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:40 एंड मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट. तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ. राई के लिए बहुत ही सिंपल, कल मैंने आटा गूंदा हुआ है, तो मैं मैं राई के लिए रोटी बनाऊंगी. एंड रोटी में ना हम लोग ऐसे बटर लगा के फिर शक्कर लगा के एक रोल करके देते. हाउ मेनी ऑफ यू इस तरीके से रोटी खाते हैं कमेंट पे लिखना. मैं जब छोटी थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, वेरी सिंपल, जस्ट रोटी में आपको थोड़ा बटर लगाना है गरम गरम रोटी में एंड फिर शक्कर देके ऐसा रोल टाइप कर लेना है. तो मैं वो राई के लिए बना रही हूँ. तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ. एंड पता नहीं यार, हम लोग का यहाँ पे ठंडा कप खत्म हो गया होगा, आप लोग भी बोर हो गए होंगे राइट, मुझे शॉल पहनते देखते देखते. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. And जब आप खुद ना जाओ ना, इतना खराब खराब सब्जी आ रहा है ना, just look at the cabbage. लाइक बोलते हैं ना, कैबेज जितना टाइट होता है उतना अच्छा होता है, ये कैबेज इतना लूज है ना कि सब कुछ ओपन होके आ रहा है. ऐसा नहीं है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, बहुत सारा लेयर मैंने निकाल के ऑलरेडी फेंक दिया है क्योंकि वो ऐसा खराब हो गया था. सी क्या करे, अभी नाउ वी हैव टू डील विथ ऑल दिस थिंग्स. एंड आप लोग क्या कर रहे हैं इंडिया में, लाइक आप लोग बाहर जा रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि हम लोग इंस्टाकार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग के लिए कोई शॉपिंग करके देता है, आप लोग ऐसा कर रहे हैं. लाइक मेरे पापा ने एक बार बिग बास्केट से ऑर्डर किया था, पर पापा वो बोल रहे थे कि सब्जी एंड ऑल दे गेव वेरी, लाइक बहुत ही खराब वो लोग ने सब्जी दिया था. पर हम लोगों की कुक आ रही है ना, लाइक शी कम्स एवरी अदर ऑल्टरनेटिव डे, तो आते वक्त वो सारा सब्जी वब्जी खरीद के लाती है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं है. पर आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइक आर यू गाइस गोइंग आउट नाउ? तो आज सिर्फ सुबह, इट इज ओनली 10 o'clock एंड मेरा सभी चॉपिंग एंड कटिंग इज डन एंड कैबेज भी मैंने बॉयल कर लिया है. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, जब मैं कैबेज की सब्जी बनाती हूँ मैं ज्यादा कुछ, इतना ज्यादा मैं प्याज टमाटर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, पर आज मैं ऐड करूंगी क्योंकि ये कैबेज इतना अच्छा नहीं है, तो यू नो मसाला वसाला देके थोड़ा इसको टेस्टी बना लेंगे. एंड अभी मैं करूंगी अपनी मम्मी से बात. एंड हाँ, मैंने अपना हेयर कलर कर लिया है. मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी कि पायल हेयर का कलर कैसे करते हैं, उसका वीडियो बनाओ, तो सॉरी आई कॉन्ट मेक दैट वीडियो. बहुत सारे देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस यू नो जो मैंने अपने चैनल के लिए रखा है. मेनी ऑफ यू हैव क्या, मेनी ऑफ यू नो, जो लोग मुझे बहुत दिनों से देख रहे हैं अभी भी देख रहे हैं कि आई नेवर शेयर माई बाथरूम विथ ऑल ऑफ यू. कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं है, जैसे मैं अपना कभी बाथरूम नहीं दिखाती हूँ एंड मैं कलर भी मैं बाथरूम में जाके करती हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक आई एम नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल कि मैं ऐसा ऐसा कलर लगाऊ एंड फिर लग वग गया फिर मेरा मुंह ही काला हो गया तो कैसा होगा. तो आई एम सॉरी आई कॉन्ट शेयर दैट विथ ऑल ऑफ यू, बट डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पे वो लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से कलर करते हैं. यू कैन गो एंड हैव ए लुक, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं. अभी मैंने किसी का ट्यूटोरियल से नहीं सीखा बिकॉज मेरी मम्मी हर वक्त कलर करती थी ना, मम्मी घर में ही कलर करती थी, लाइक मम्मी खुद कलर करती थी फिर मम्मी पापा को कलर करके देती थी, तो वो देख देख के ना मैं सीख गई, मुझे पता है किस तरीके से कलर करते हैं. कलर करना इज वेरी इजी, वो लोग लिख के भी दे देते हैं कि आपको किस तरीके से कलर करना चाहिए, तो आई एम सॉरी आई होप सो दैट यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मम्मी से बात करना खत्म एंड आज मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूंगी. एंड आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे कि पायल ये ठीक हुआ है क्या, तो बीच में जैसा खराब है वैसा खराब ही है, तो इसलिए जब मैं खाना बनाती हूँ ना इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट क्या करूँ आई एम यूज टू इट. लाइक यहाँ पे खाना बनाना आदत नहीं है ना, मुझे बहुत ही अजीब लगता है. तो चलिए फर्स्ट मैं बनाऊंगी गोभी, मैंने दाल भी चढ़ा दिया है एंड फिर आलू भाजी, दैट्स इट हो जाएगा.
तो मैं जैसे बोल रही थी कि क्योंकि कैबेज इतना अच्छा नहीं है ना, तो मैं इसमें प्याज, टमाटर, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। एंड कैबेज को बॉईल करते वक्त ना मैंने उसमें दालचीनी ऐड किया था ताकि कैबेज में एक अच्छा स्मेल आ जाए। तो अभी मैं ऐड करूंगी इसमें हल्दी, फिर मैं ऐड करूंगी जीरा पाउडर, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर। जनरली अगर वेजीज बहुत अच्छे हो ना तो नो नीड टू ऐड सो मेनी मसालाज एंड ऑल। आप देखेंगे फ्रेश वेजीज में कम मसाला दे तो भी टेस्टी होता है। तो मैं अभी मैंने जो दालचीनी ऐड किया था फ्राई करते वक्त, लाइक बॉईल करते वक्त, सॉरी मैं वो निकाल रही हूँ। एंड फिर मैंने थोड़ा पीस ऐड कर दिया है। एंड एट द एंड आई विल ऐड गरम मसाला। एंड फिर मैं इसमें थोड़ा घी भी ऐड करूंगी। तो ये ऑलमोस्ट बन चुका है। एंड दाल भी रेडी है। तो एंड मैं भी आलू भाजी दिखा दूंगी। तो चलो 11:30 तक खाना बनाना खत्म। तो अभी दाल रेडी हो गया है, मुझे सिर्फ तड़का देना है दाल में। एंड फिर वहां पे मैं आलू भाजी बना रही हूँ। एंड आई थिंक सो कितना दिनों के बाद आज मेरा इतना जल्दी खाना बनाना खत्म। तो मैं अभी किचन साफ कर लूंगी। एंड डिशवॉशर में भी मैंने ऑलरेडी सारे डिशेस दे दिए हैं। तो बहुत कम रोज ही ऐसा होता है कि इतना जल्दी खाना वाना बनाना खत्म हो जाता है। एंड मेरे घर में ना कोई भी फ्रूट्स नहीं है। जनरली इस टाइम को मैं पढ़ाई करती है ना, तो मैं उसको कुछ फ्रूट्स देती हूँ, कुछ भी नहीं है। लेट्स सी, मैंने सब कुछ लिखा तो है, ग्रॉसरी सैटरडे को आएगा तब लाइक क्या क्या उसको मिलेगा दे विल ब्रिंग। एंड हम लोग डायरेक्ट नहीं जाते ना, तो कोई कोई लाइक द पर्सन जो लाते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वो बहुत लाइक इफ़ ही इज़ वेरी एक्टिव ही और शी, तो जैसे वो कॉन्स्टेंटली मेल करते हैं कि ये नहीं है दूसरा कुछ लाओ। कोई कोई ऐसा कुछ नहीं बोलता है ना, आप लोग बहुत जन भी बोल रहे थे, लाइक मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि लाइक अभी हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं वही बोलूँगी। एंड चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, मतलब पैटियो में ही। आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, सी धूप तो है पर हाँ हवा दे रहा है। Now I can show you only till the patio or I can't show you anything outside. कोई मुझे लिख रहा था कि पायल तुम लोगों का बाहर इतना अच्छा है, तुम अपने वीडियो में दिखाओ। तो मैंने उसको लिखा कि सॉरी यार, अभी तो मैं नहीं दिखा सकती, अभी तुम मेरा पेटियो देख के, पेटियो से जितना बाहर यू कैन सी उससे काम चला लो। तो चलो नाउ आई विल गो डाउन। मेरा नहाना खत्म एंड पूजा वूजा देना भी हो गया। एंड कोई आई थिंक सो कौन सा वाला मेरा वीडियो में मंडे का, सोमवार का नहीं तो मंगलवार का किसी ने कमेंट लिखा था कि पायल क्या करूं, मेरा अभी आईब्रो स्क्रूड सिंह जैसा हो गया है। तो मुझे इतना हंसी आया ना, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट कैरेक्टर फ्रॉम चंद्रकांता, क्रूड सिंह, रिमेम्बर उसका लाइक आईब्रो इतना ऐसा 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 बड़ा बड़ा था। तो मुझे इतना हंसी आ गया ना, लाइक वो बोलते हैं ना पुराने मेमोरीज जो है वो ताज़ा हो गए। एंड थैंक यू, सो मेनी ऑफ यू सजेस्टेड मी टू वॉच ये मेरी फैमिली फ्रॉम नेटफ्लिक्स। एंड वो इतना लाइक क्या बोलो, बिकॉज 90s में आई हबी हम लोग दोनों ही टीन्स पे थे ना। एंड मुझे लगता है मेरे हबी ज़्यादा रिलेट करेंगे बिकॉज द स्टोरीज ऑफ द बॉय, पर वो जो जो दिखाया है एवरी थिंग यूज टू हैपन। एंड मैं मेरे हबी को बोल रही थी कि यू शुड वॉच दिस सीरीज, यू विल लव इट। लाइक मुझे ना ऐसा बहुत ही सिंपल फैमिली ड्रामा पसंद है। ऐसा एक होता है ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ,
ऐसा हाई एंड, ऐसा आर्टिफिशियल जिससे आप रिलेट ना कर सके, मुझे इतना पसंद नहीं. मुझे लगे सब बहुत घरेलू टाइप फैमिली ड्रामा. आई लव इट. सो थैंक यू जिसने मुझे बोला है. ऐसा ही कुछ और अच्छा अच्छा सीरीज हो तो मुझे ज़रूर बताना. एंड अभी मैं राइस बिठाऊंगी. एंड हम लोगों के यहाँ पे ऐसा ही हालत इतना ज़्यादा ख़राब है. एंड ऊपर से आज लाइक कल वो लोग ने बच्चों को मेल किया राय के स्कूल से कि वो लोग के जो सिक्स ग्रेड टीचर है ना, अभी 1:15 अभी स्टार्ट हो गया है, तो वो लोग क्या करेंगे आज 1 बजे से, फ्रॉम 1 o'clock ना मामा, लिया 1 बजे से वो लोग क्या करेंगे, दे विल डू ए पेरेड. अभी इस पेंडेमिक में पैरेट का कोई ज़रूरत है? और लाइक वो लोग कार में ही रहेंगे जस्ट टू चीयर्स द चिल्ड्रेन. वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जिस लाइक जिस जैसे बस का जैसा रूट होता है, दे विल गो लाइक दिस. एंड फिर अगर बच्चे लोग लाइक इफ इट पासेस थ्रू योर हाउस तो यू कैन लाइक आप हाई वाई कर सकते हैं. पर सपोज जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे बस मेरे घर के सामने में नहीं आता है, हम लोगों को लाइक हम लोगों के कम्युनिटी के बाहर पे खड़े रहना होता है, बस वहाँ पे आता है. तो हम लोग को जाके वहाँ पे खड़ा होना है. एंड फिर वो लोग जब जाएंगे तब हम लोग बाय बाय करेंगे. एंड दे आर राइटिंग ऑल्सो कि अगर आप लोगों को बाहर जाना हो हम लोगों को देखने के लिए, देन वेयर ए मास्क, मेंटेन ए 6 feet डिस्टेंस. एंड मैं तब सोच रही हूँ क्या, सी दे आर डूइंग ए वेरी गुड थिंग, बट अभी मुझे नहीं लगता ये सब का कोई भी ज़रूरत है. लाइक ऐसा ही यहाँ का हालत इतना ख़राब है. मेनी ऑफ यू नो कि लाइक जो लोग US में रहते हैं, ऑल ऑफ यू नो कि न्यूयॉर्क में इतने सारे केसेस है. एंड हम लोग के लाइक न्यूयॉर्क में आई थिंक सो नाउ सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग के काउंटी में केसेस है. तो इतने सारे केसेस है, फिर हम लोग के विलेज में भी इतने सारे केसेस है, तो उस सब में ये सब क्या करना. यू नो सपोज अगर राय को इतना इंटरेस्ट नहीं है पर आप बच्चे को बोल रहे हैं, एंड कोई कोई बच्चे का बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा ना कि चलो चलो जाना है. सपोज हम लोग के यहाँ पे ना वी आर वेरी अनलकी कि राय के ग्रेड में कोई भी नहीं है, तो हम लोग के एक कम्युनिटी में राय का एक भी फ्रेंड कोई भी नहीं रहता है. पर ऐसा अगर बहुत सारे जगह पे है ना जहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी रहते, तो ऐसा रहेगा ना कि चलो चलो चलते हैं हम लोग देखेंगे. अभी आप बच्चों को बोल रहे हैं 6 feet डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क पहनो. लाइक मुझे लगा ये सब झमेला क्यों करना इन दिस पैंडमिक. यू आर टेलिंग एवरी वन कि नहीं अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो आप बाहर जाए, तो वाई टू टेल, लाइक क्या ज़रूरत भी है. तो मैं मेरी मम्मी को बोल रही थी एंड मेरी मम्मी इज़ लाइक कोई ज़रूरत नहीं है. एंड ट्रस्ट मी ना, हम लोग ना लाइक राय को तो मैंने घर से सिर्फ पैटियो पे ही जाती, यहाँ से मैंने बाहर भी निकलने नहीं दिया है. बिकॉज ये केसेस आर इंक्रीजिंग सो मच. मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि क्या इंडिया में तो कब से लॉकडाउन है फिर भी क्यों इतना सारे केसेस हो रहे हैं. एंड इंडिया में इट सीम्स इट्स वेरी स्ट्रिक्ट ना कि आप अगर बाहर जाएंगे ऐसे घूमेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगा. पुलिस पूछता है कि कहाँ पे आप जा रहे हैं. अगर ओनली ग्रॉसरी स्टोर यू कैन गो. एंड इनली आई एम सेइंग माय ओपिनियन ओनली. ऐसा बहुत जन आ जाएंगे एंड मेनी पीपल सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मी. तो आई फील सो दिस इज माई पर्सनल व्लॉगिंग एंड मेरा जो मन में होता है मैं वो बोलती हूँ. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आई एम नॉट एट ऑल ए लीडर, नो नीड टू फॉलो एनीथिंग. जो मैं खाना भी बनाती हूँ या जो मैं शेयर ही करती हूँ, आई जस्ट शेयर माई ओपिनियन विथ ऑल ऑफ यू. तो ये रहा हम लोगों का लंच, आलू भाजी, फिर गोभी की सब्जी. पर गोभी की सब्जी ना क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐड किया तो खाने में टेस्टी हुआ है. एंड बहुत ही लाइट एक मसूर की दाल. रिमेम्बर राइट, आई गॉट दिस चिली जो बिल्कुल भी तीखा नहीं है. तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये चिली को लेके ना थोड़ा ऑयल देती हूँ. एंड आई हैव दिस अचार मसाला. फिर मैं लाइक ऑयल जब गर्म होता है मैं ये चिली ऐड कर देती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा अचार मसाला दे देती हूँ. तो मोस्ट ऑफ यू रिमेम्बर राइट, आई गॉट दिस चिली जो बिल्कुल भी तीखा नहीं था. तो मैं क्या करती हूँ, ऑयल थोड़ा गर्म करती हूँ एंड देन आई ऐड दिस चिली एंड फिर मैं ये अचार मसाला उसमें ऐड कर देती हूँ. तो सब मिला के ना बहुत ही चटपटा चटपटा अचार टाइप रेसिपी बन जाता है. एंड राइस के साथ, स्पेशली दाल के साथ ना, जस्ट मेक लाइक दिस एंड थोड़ा दाल, तो यू माइट लाइक इट. लाइक मुझे ये ऐसा वियर्ड वियर्ड खाना बहुत पसंद है.
कढ़ाई में मैंने बहुत ही कम ऑयल दिया था, तो अभी मैंने अचार मसाला ऐड कर दिया है एंड फिर मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, नहीं तो अचार मसाला बहुत जल्दी लाइक जल जाता है एंड इसको सिर्फ मैं खाऊंगी और मेरे घर में कोई भी ये सब उटपटांग चीजें नहीं खाता है। एंड अगर अभी कुछ भी सामान आता है ना तो खुशी से ज्यादा टेंशन लगता है कि अभी सब कुछ साफ करना पड़ेगा। तो मैंने अमेज़न से मस्टर्ड ऑयल ऑर्डर किया था, वो आ गया। लाइक जीवा कंपनी का ना, लाइक जीवा ऑर्गेनिक्स का ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन अमेज़न। सो वहाँ से जैसे मैंने सूजी भी लिया था, फिर लगता है मैंने बेसन भी लिया था, तो अभी मैंने राइस भी मंगाया है वहाँ से। मैं बोल रही हूँ ना, किसी को भी पता नहीं था कि इतना लंबा टाइम तक चलेगा। एंड आप लोग बहुत जन ने मुझे वेबसाइट दिया है, इंडियन वेबसाइट, पर अगर आप करें ना, नथिंग इज वर्किंग। कोई कोई जगह पे तो दे आर सेइंग कि 2 मंथ लगेगा, बहुत सारी जगह पे बोल रहे आउट ऑफ द स्टॉक। एंड हम लोगों के यहाँ पे जो इंडियन शॉप है, इट्स वेरी लाइक बहुत ही छोटा इंडियन शॉप है, तो थोड़ा दिन पहले आई थिंक सो ये मंडे ही मुझे मेरे नेबर से पता चला कि वो टोटली बंद है अभी। एंड इट्स ओबियस ये लाइक बंद होगा ही, तो वो टोटली बंद है। तो इसीलिए थैंक्स गॉड एटलीस्ट अमेज़न से मुझे थोड़ा बहुत इंडियन सामान मिल रहा है। मैं अपने हबी को बोल रही हूँ कि ये ग्रीन चिली होगा क्या, दैट इज वन थिंग सीरियसली आई एम मिसिंग सो मच। ऐसे ग्रीन चिली एंड रेड चिली में फर्क होता है, राइट? ग्रीन चिली का एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अभी मैं और राय दोनों मिलके कर रहे हैं टिकटॉक। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जस्ट ऐसा ही टाइम पास के लिए। तो राय और मैं अभी मिलके ये ब्राउनी बनाएंगे। चलो मा, लेट्स मेक ब्राउनी। Shooting me with words, but I will let them bruise. Even though it hurts, I won't show it to you. Cause it will ricochet, I won't let it bite, I will. तो रेडी हो गया है ब्राउनी का मिक्स एंड अभी ओवन को मैंने प्री हीट करने को दिया है 325 फ़ारेनहाइट पे, तो हो जाएगा तो दे देंगे। तो ब्राउनी रेडी हो चुका है एंड मामा गेट मी ए प्लेट ना, मैं देखती हूँ ऐसा फ्लिप होता है क्या। राय बोल रही मम्मी ब्राउनी तो फ्लिप नहीं होगा। नो नॉट दिस प्लेट, चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छा है। ओ वाह, हो भी गया। पर मेरा ब्राउनी अच्छी तरीके से निकल के आ गया। तो राय को ब्राउनी बहुत पसंद आया एंड मैं तो ब्राउनी खाती नहीं हूँ, मुझे ब्राउनी ना बहुत ज़्यादा मीठा लगता है एंड मेरे हबी तो कुछ भी मीठा नहीं खाते हैं। तो अभी मैं चली जाऊँगी ऊपर एंड हाँ, निया का एक्सटेंशन हम लोग का बढ़ गया है, नाउ इट्स ऑफिशियल दैट इट इज़ स्टिल मे 15th, पर और भी ज़्यादा लाइक इससे भी और बढ़ेगा। एंड मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वो तो बोल रही थी मे बी हम लोग को अगस्त हो जाएगा, तो जस्ट इमेजिन अगस्त मतलब कितना और ज़्यादा महीना। मुझे तो नहीं लगता है राय लोग का लाइक इस साल और स्कूल होगा भी, बिकॉज मे 15 फिर जून को तो वो लोग का ख़त्म ही हो जाएगा स्कूल। क्या कर सकते हैं, यू नो वी कैन डू एनीथिंग। मैं अपने हबी को वही बोल रही थी कि अभी एक्सटेंशन मे 15 तक वो लोग ने कर दिया है, द बेस्ट ब्रेकिंग।
वही हम लोग बोल रहे थे कि मैं जैसे हर वक्त बोल रही लाइक बोलती हूँ ना आप लोगों को कि यहाँ पे ना बहुत सारा चीज़ है जो बहुत बाद में बोला गया, जैसे कि मास्क पहनो, ये ऑफिशियली वो लोग ने आई थिंक सो 2 वीक्स पहले अनाउंस किया था, जबकि ये बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। तो मे बी यू नो बहुत सारे लाइफ सेव हो जाते हैं एंड सो मेनी पीपल हैज़ लूज देयर लव वन ईयर। इससे और ख़राब क्या होगा, नो इससे और ख़राब कुछ भी नहीं हो सकता जस्ट फॉर दिस थिंग। पर दैट इज़ लाइफ यार, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। किसने सोचा था जब 2020 स्टार्ट हुआ था कि ऐसा एक मुसीबत आएगा। एंड देखिए ये मुसीबत लाइक हम सबके ऊपर है, सभी को हर वक्त आई एम श्योर हम आप लोग सबके घर में सेम हम आप लोग बातें करते होंगे कि कब ये सब बंद होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, कब हम लोग फ्रीली आज़ाद होते हैं ना, ये सब नहीं सोच के कि बाहर जाने से कुछ हो जाएगा, हम लोग जा सकेंगे। वो मेरे हबी बोल रहे थे अगर सब कुछ ओपन भी हो गया तब तुमको डर नहीं लगेगा, मैं बोल रही थी डेफिनेटली डर तो लगेगा ही, पर वो दिस ऑल थिंग्स आर ड्रीम नाउ, लाइक मैं सपने में ही सोच सकती हूँ। कल वो बोल रहे थे तुम कार चलाना भूल ना जाओ, ऐसे ही मुझे चिढ़ा रहे थे कार आप इतना, अगर आपने सीख लिया है कार बाईसाइकिल तो इतना जल्दी आप नहीं भूलेंगे। तो चलो आई विल मीट यू ऑल मंडे, या मंडे विथ ए न्यू वीडियो, स्टे सेफ। एंड हाँ, मैंने जो स्नैक्स बनाया है डू ट्राई द स्नैक्स, अगर मुझे पूछा जाए तो सबसे मेरा फेवरेट था वो सूजी और बेसन वाला कटलेट, वो बहुत सिंपल है एंड चाय के साथ परफेक्ट लगता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है। सो यू कैन ट्राई दैट स्नैक्स, क्योंकि क्या करें यू नो अभी हर वक्त सेम चीज़ सोच सोच के हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसे, और घर में बैठे बैठे वी कैन प्रे टू गॉड कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलो आई विल मीट यू ऑल एंड या हैप्पी वीकेंड, घर पे ही है बट देन ऑल्सो जस्ट चिल एंड लेट्स बी पॉजिटिव। बाय बाय। एंड हाँ, वीडियो को लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर पसंद आता है मेरा चैनल तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। बाय बाय।